ओम नमः शिवाय। अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कौवा, कौवा आपको बहुत सारे संकेत देता है। जैसे कि यात्रा पर अगर निकलते हैं तो कौवा को दिखना एक अलग संकेत माना जाता है। यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कौवा आकर जोर जोर से बोले तो इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। लेकिन अगर कोई अतिथि आने वाले होते हैं घर पे, तो वो कौवा क्या संकेत देता है जो कि आप लोगों को पता है। जैसे कि घर के छत पे अगर कौवा सुबह सुबह आकर के काँव काँव करता है तो इसका मतलब यही होता है कि घर में किसी न किसी अतिथि के आगमन का संकेत कौवा हमें दे रहा है। लेकिन यदि दरअसल जो है, यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो आपके घर में कौवा आकर जोर से बोले, इसका मतलब यह है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल ये इस बात का संकेत भी है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने वाली होती है। लेकिन यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए अगर कोई जा रहा है तो इसे हम कुछ अलग ही संकेत मान सकते हैं। कौवा एक्चुअली हर जगह पे अलग अलग संकेत देता रहता है, और घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाए तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलने वाली होती है। इसी तरह से कौवा का झुंड में आना भी एक संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठे हो जाएं और तेजी से बोले तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता होती है। दरअसल कौवा किसी अनहोनी का संकेत भी देता है। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। खास तौर पर इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे कौवा के बहुत सारे संकेत देखने को मिलते रहते हैं। तो कौवा जो है अतिथि के आने का भी संकेत आपको देता है कि कोई भी अतिथि आपके घर पे आने वाला है। किस तरह का अतिथि आने वाला है ये भी कौवा आपको संकेत दे देता है।